हेलो फ्रेंड्स, कुनाफा हियर फ्रॉम रिसर्च डिपार्टमेंट। दोस्तों, आज हम जो चीज के बारे में बात करने वाले हैं, आज हम ये जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ चार्ट को लेके। ये कितने टाइप के चार्ट रहते हैं एंड पर्टिकुलरली हम कौन से चार्ट के ऊपर दोस्तों फोकस करने वाले हैं उसको लेके आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों, जो हमारा जो चार्ट टाइप होगा हम कैंडलस्टिक्स होगा, कैंडलस्टिक्स के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं दोस्तों। यस, उससे पहले दोस्तों हमने पिछले कुछ वीडियो में क्या डिस्कशन किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमने डाउ थ्योरी के बारे में बात किया, जो सिक्स बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर डाउ थ्योरी है, हमने उसके ऊपर जाके बात किया था दोस्तों। यस, उसके बाद थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड है उसके बारे में हमने बात किया था, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। एंड उसके बाद दोस्तों हमने कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर जाके कौन से टाइम फ्रेम के लिए या तो आपको ट्रेडिंग करना है या तो इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। यस, आज हम कैंडलस्टिक्स बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। यस, मोस्टली दोस्तों थ्री टाइप्स ऑफ चार्ट जो मोस्टली ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर हैं वो यूज करते हैं, लाइन चार्ट होता है, बाय चार्ट होता है एंड होता है कैंडलस्टिक चार्ट। यस, तो दोस्तों हम यहाँ पे पर्टिकुलरली जो है कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर ही फोकस करेंगे, लेकिन लाइन चार्ट दोस्तों कैसे ड्रॉ होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। नॉर्मली जो स्टॉक प्राइस की क्लोजिंग रहती है, जो स्टॉक प्राइस की क्लोजिंग रहती है वो स्टॉक प्राइस की क्लोजिंग को कनेक्ट करके लाइन चार्ट बनाया जाता है। एक सिंपल लाइन होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सिंपल लाइन होती है, उसको कनेक्ट करके लाइन चार्ट बनाया जाता है। अगर क्लोजिंग मेरा यहाँ पे है, अगर क्लोजिंग मेरा यहाँ पे है, अगर क्लोजिंग मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे, तो इन सबको कनेक्ट करके दोस्तों मेरा एक लाइन चार्ट यहाँ पे ड्रॉ होता है। लाइन चार्ट का बेसिक यूज दोस्तों आप मूविंग एवरेज के साथ कर सकते हो। अगर इसका यूज अगर आप मूविंग एवरेज के साथ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर मिलेगा जिसके बेस पे जाके आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर इसका एक्सटेंसिवली अगर यूज करना है तो आप शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग ही कंसिडर करता है, ओपन हाई लो को ये कंसिडर नहीं करता है। एंड नॉर्मली अगर चार्ट पैटर्न अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली हम ऊपर हाई लेते हैं, लो लेते हैं, वही चीज दोस्तों अगर हम लाइन चार्ट में कंसीडर करने जाएंगे तो आपको वो प्रॉपरली नहीं मिलेगी। तो लाइन चार्ट अगर आप मूविंग एवरेज के साथ अगर आप यूज करो तो हो सकता है कि आपको एक पिक्चर मिले जिसके बेस पे जाके आप एक डिसीजन ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों बाय चार्ट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, बाय चार्ट क्या है एंड उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि बाय चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, बाय चार्ट बनता कैसे है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे जो ओपनिंग रहता है वो आपका लेफ्ट साइड में रहेगा, जो ओपनिंग रहता है वो आपका लेफ्ट साइड में बनेगा। उसके बाद स्टॉक अगर ऊपर जाता है आपको यहाँ पे ये आपको थ्रू आउट द डे स्टॉक की मूवमेंट आपको यहाँ पे पता चलेगी। उसके बाद जो क्लोजिंग रहता है वो आपको राइट साइड पे मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको ओपनिंग मिला थ्रू आउट द डे स्टॉक ने जो मूवमेंट बनाई वो आपको एक सिंगल वर्टिकल लाइन में पता चलेगा। एंड जो क्लोज होता है आपको क्लोज अपर साइड पे राइट साइड पे मिलेगा। अगर स्टॉक पॉजिटिवली क्लोज हुआ है तो, अगर स्टॉक नेगेटिवली क्लोज हुआ है तो यही क्लोज आपको यहाँ पे नीचे की साइड पे मिलेगा। यस, मैं आपको फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये मेरा ओपन है और ये मेरा क्लोज है, ये मेरा बुलिश मूवमेंट हुआ ये मेरा टॉप है और ये मेरा लो है अगर स्टॉक नेगेटिवली अगर क्लोज हुआ है तो क्या मूवमेंट रहेगी, ये मेरा ओपन है और ये मेरा क्लोज है तो दोस्तों ऐसे बाय चार्ट फॉर्म होता है। अभी बाय चार्ट में दोस्तों जो इंटेंसिटी होती है बाइंग सेलिंग की वो यहाँ पे नहीं दिखती है जो रिलेशन होता है ओपन हाई का वो हमें यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखता है। अगर मैं बाय चार्ट को एम्फेसाइज करूं, अगर बाय चार्ट नॉर्मली जो एम्फेसाइज करता है वो क्लोजिंग टू इट्स प्रीवियस डे क्लोजिंग करता है अगर मैं कैंडलस्टिक चार्ट की बात करूं तो कैंडलस्टिक चार्ट एम्फेसाइज करता है क्लोजिंग टू इट्स ओपनिंग तो नॉर्मली बाय चार्ट पे दोस्तों आप काम करोगे तो हो सकता है कि जो कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको इंटेंसिटी दिखती है बाइंग सेलिंग की साइड वो आपको बाय चार्ट पे ना दिखे। एंड अगर लाइन चार्ट की बात करता हूँ तो लाइन चार्ट इससे बहुत दूर है लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग को कंसीडर करता है, यहाँ पे ओपन हाई लो दिख जाता है। बाय चार्ट पे लेफ्ट साइड का आपको ओपनिंग मिलेगी, राइट साइड पे आपको क्लोजिंग मिलेगी एंड इसके बेस पे जाके अगर आप कुछ इंडिकेटर्स भी अगर इसको इसके साथ अगर आप फॉलो करोगे तो आपको एक अच्छा खासा इंडिकेशन भी मिलेगा।
लेकिन हमारा जो एम्फेसिस रहेगा इसके बाद के वीडियोस में, इसके बाद के ट्रेडिंग में, वो सिर्फ कैंडलस्टिक्स में मिलेगा। कैंडलस्टिक्स कैसे वर्क करता है, कौन कौन से ऐसे कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन है जिसके बेस पे जाके आप अच्छा खासा डिसीजन ले सकते हो, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आइए कैंडलस्टिक्स का बेसिक जान लेते हैं। मैंने आपको बार चार्ट के बारे में बता तो दिया, हमें बार चार्ट पे कौन कौन सी फॉर्मेशन है, कैसे फॉर्म होता है, आप कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं, वो हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक्स के बारे में ही जानना है। तो मैं आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक्स बेसिक्स पता चलेगा कि कैसे कैंडल ओपन होती है, कैसे कैंडल का क्लोज आपको बुलिश है बियरिश से वो पता चलेगा, कैसे आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है, कैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे रेड कैंडल बनी है, वो सब का सब हम बेसिक डिस्कशन करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। लाइव एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में दोस्तों जो डिस्कशन किया था कि कौन से टाइम फ्रेम पे जाके कौन से टाइम फ्रेम के लिए आपको ट्रेडिंग करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी का मैं अभी लाइव एग्जांपल दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ ये बेसिक स्टार्ट करने से पहले। एंड हमने कहा था कि अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है तो प्लीज आप इंट्राडे चार्ट देखिए, वन आवर चार्ट देखिए, अगर आपको वीकली ट्रेड लेना है तो आप डेली चार्ट देखिए, और मंथली ट्रेड लेना है तो वीकली चार्ट देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाने की कोशिश करूंगा, रिलायंस का ही चार्ट है, रिलायंस का ही चार्ट है, ये डेली चार्ट है। यस दोस्तों आप यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये रेड लाइन जो है हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, एंड ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है दोस्तों 2173 के लेवल पे है, 2173। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, यानी कि हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस किया है, एंड सेम ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, यानी सिग्निफिकेंस अगर मैं बात करूँ ट्रेंड लाइन की तो काफी अच्छी है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें मिला है, अगर ये ब्रेकआउट के लो की बात करता हूँ तो 2150 का ये जो लो है वहां पे आ रहा है, यानी कि अगर मैं नेक्स्ट डे अगर ये ट्रेंड लाइन के बेस पे, अगर मैं सेटअप के बेस पे अगर मैं ट्रेड लूंगा तो क्या ट्रेड लूंगा, जैसे ही मेरा ये जो कैंडल है अगर उसका लो अगर मेरा ब्रेक करता है, ओके ये जो मेरा लो है 2150 का है, अगर ये लो ब्रेक करता है तो सीधा मैं सेल में जाऊंगा, उसके बाद का अगर स्टॉक में अगर जो लो बनाया है 1848 के अराउंड का लो बनाया है, यानी कि 2150 से 1848 तक का मुझे डाउनसाइड की मूवमेंट ये पर्टिकुलर सेटअप के बेस पे मिली हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है उसके बाद। लेकिन दोस्तों ये डेली चार्ट के ऊपर हमें कंफर्मेशन जो है थोड़ा सा लेट मिला है, अगर वही चीज अगर मैं दोस्तों यहाँ पे आपको आली चार्ट पे दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि क्या मोमेंटम आली चार्ट में हमें देखने को मिली है। दोस्तों मैंने यहां पे आली चार्ट लिया है, एंड आली चार्ट पे आप देख सकते हो कि ट्रायंगल फॉर्मेशन मैंने यहां पे बनाया है, एक अपर ट्रेंड लाइन एक लोअर ट्रेंड लाइन दोनों यहां पे आके कन्वर्ज हो रही है, आप देख सकते हो यहां पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, आली चार्ट पे स्टॉक ने यहां पे ब्रेकआउट दिया, ओके हमें डेली चार्ट पे भी ब्रेकआउट मिला, आली चार्ट पे भी ब्रेकआउट मिला। डेली चार्ट पे दोस्तों हमें जो ब्रेकआउट मिला, हमें जो कंफर्मेशन मिला वो 2150 के बाद मिला, ओके अगर मैं यहां पे अगर मैं कंफर्मेशन की बात करूं दोस्तों तो ये जो लेवल है 2230 का लेवल है, अगर 2230 मेगा ब्रेक होता है तो उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा, उसके बाद मुझे डाउनसाइड की मूवमेंट स्टॉक में मिलेगी, ओके तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि आर्ली चार्ट पे मुझे 2230 पे कंफर्मेशन मिला, डेली चार्ट पे मुझे 2150 पे कंफर्मेशन मिला। तो अगर मैं जो गैप पकड़ता हूं तो दोस्तों कहीं ना कहीं 80 पॉइंट का गैप मुझे मिलता है, यानी कि 80 पॉइंट लेट मुझे कंफर्मेशन मिलता है ऑन एन डेली चार्ट, 80 पॉइंट ज्यादा अगर मैं कहना चाहूँ तो 80 पॉइंट पहले मुझे कंफर्मेशन मिलता है आर्ली चार्ट पे। अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो 3.50-3.70 अराउंड का परसेंटेज होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं डेली चार्ट के बेस पे जाके अगर ट्रेड लेता तो मुझे अपॉर्चुनिटी बेनिफिट मिलता 3.50-3.70% का।
अगर वो मैं वही चीज अगर डेली चार्ट पे करता तो मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस होता 3.5% का। तो आप देख सकते हो कि क्यों मैंने ये एम्फेसाइज किया था कि कौन से टाइम फ्रेम पे जाके आपको कौन से टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यस, तो प्लीज फोकस दिस टर्म। अगर आली चार्ट पे अगर क्लियर सिग्नल मिलता है तो आप पोजिशनल ट्रेड वहां पे जाके ले सकते हो दोस्तों। ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखा है रिलायंस के चार्ट के ऊपर। यस, अभी दोस्तों हम जो बात करेंगे पर्टिकुलरली वो हमारा कैंडलस्टिक्स बेसिक्स होगा। लेकिन दोस्तों कैंडलस्टिक्स आया कैसे, किसने इन्वेंट किया है उसके बारे में दोस्तों थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दोस्तों 18th सेंचुरी में मुने हिस्सा होमा करके एक राइस ट्रेडर था जो राइस की प्राइस था उसको ट्रैक करने के लिए उसने ये जो कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन है उसका इन्वेंट किया था दोस्तों। यस, दोस्तों उसके बाद ही मूव टू टोक्यो एक्सचेंज एंड वहां पे कंसेक्यूटिवली 100 टाइम्स दोस्तों उसने ट्रेड किया बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक्स एंड वो 100 टाइम्स जो ट्रेड था वो लगातार प्रॉफिट में रहा। यस, 100 टाइम्स कंसेक्यूटिव ट्रेड इन द प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो कि जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो 18th सेंचुरी में इन्वेंट हुई थी ओके उसका उसकी इफेक्ट आज के टाइम पे भी है। अब दोस्तों सोचो कि 100 टाइम्स कंसेक्यूटिव विनिंग ट्रेड उस टाइम पे होमा ने लिए थे इन टोक्यो एक्सचेंज। अगर आज के टाइम की बात करूं तो वही चीज रियल वर्ल्ड में स्टीव निसोन लेके आए हैं। उनकी एक बुक है जैपनीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक। यस, जैपनीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक करके है ये बुक में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक के बारे में बताया है एंड कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशन के बारे में बताया है। उसके बेस पे जाके क्या ट्रेड ले सकते हो, क्या ट्रेड लेना चाहिए विद चार्ट, सब डिटेल उन्होंने ये बुक में दी है दोस्तों। यस, तो 18th सेंचुरी में जो इवेंट हुआ था कैंडलस्टिक्स ओके वो आज के रियल वर्ल्ड में भी उतना ही इफेक्टिव है। बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है कि कहां पे बाइंग सेलिंग बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक्स आपको देखने को मिल रहा है। यस, तो दोस्तों अभी हम कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन कैसे क्रिएट होता है, कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब यहां पे देख सकते हो ये एक बुलिश कैंडल है ओके, उसका जो ओपन है वो लोअर लेवल पे है, ओपन लोअर लेवल पे है। उसके बाद थ्रू आउट ट्रेडिंग सेशन हमें एक मूवमेंट मिलती है, इसके बाद जो क्लोजिंग है वो हमें इस लेवल पे दिखता है, जो क्लोजिंग है वो इस लेवल पे दिखता है, यानी कि ओपन से ऊपर क्लोजिंग है ओके। तो आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखेगी क्योंकि जो ओपन है उसके ऊपर का आपको क्लोजिंग मिल रहा है, यानी कि बुलिश सेंटीमेंट वहां पे क्रिएट हो रहा है ओके। तो आपको यहाँ पे एक पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल मिलेगी विच इज अ बुलिश कैंडल ओके। इसके बाद आपको जो ये जो अपर साइड है ना दोस्तों ये कैंडल का हाई है, यानी कि थ्रू आउट द डे अगर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ने अगर हाई बनाया है तो आपको ये वीक के थ्रू पता चलेगा कि कैंडल का ये हाई है एंड लोअर में ये जो लोअर साइड है ये आपको बताएगा कि लो क्या बना है। यस, अगर मैं कैंडल की बात करूं तो दोस्तों मेनली थ्री पार्ट होते हैं कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के, अपर शैडो, लोअर शैडो एंड ये रियल बॉडी, यानी कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग के बीच का जो पार्ट होता है ना दोस्तों, ये जो पार्ट होता है ना इट्स कॉल्ड रियल बॉडी। अगर आपका क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर है इट मींस इट्स अ बुलिश कैंडल ओके। एंड अगर वही चीज अगर मैं वाइस वर्सा करूं, अगर आपका ओपनिंग ऊपर है एंड अगर आपका क्लोजिंग नीचे है इट्स कॉल्ड बियरिश कैंडल ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लोअर साइड हो इट इंडिकेट्स लो एंड जो अपर साइड हो है इट इंडिकेट्स हाई। तो थ्री पार्ट्स होते हैं, अपर साइड हो अपर वीक, लोअर साइड हो लोअर वीक एंड रियल बॉडी ओके। इसके बेस पे जाके कैंडलस्टिक्स फॉर्म होती है। एंड दोस्तों अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन विद वॉल्यूम एंड विद फ्यू इंडिकेटर्स अगर आप इसके ऊपर फोकस करोगे तो हो सकता है कि इसके बेस पे जाके आपको बहुत अच्छे ट्रेडिंग के लिए, अगर आप मंथली चार्ट अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो तो बहुत अच्छे ट्रेड आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी मिल सकते हैं। यस, तो दोस्तों हमने यहाँ पे कैंडलस्टिक्स बेसिक के बारे में डिस्कशन किया है कि कहाँ पे ओपन होता है, कहाँ पे क्लोज होता है, कौन सी कैंडल फॉर्म होती है। यस,
एंड यहाँ पे दोस्तों मैं और एक और बात बताना चाहूंगा कि कितने टाइप की फॉर्मेशन क्रिएट होती है इसके बेस पे जाके वो आने वाले वीडियो में बताएंगे, एंड वो फॉर्मेशन का क्या मतलब रहता है, वो फॉर्मेशन के बेस पे जाके आप क्या ट्रेड ले सकते हो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। यस तो दोस्तों प्लीज स्टे ट्यून्ड विद लर्न विद जीफी एंड मेक ट्रेडिंग इजी, क्योंकि कैंडल्स के ऊपर जाके क्या आपको ट्रेड लेना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या बनेगा, आपका कितना आप कैसे स्पॉट कर पाओगे अपना रिस्क रिवॉर्ड, कैसे आप स्पॉट कर पाओगे अपना लॉस, कैसे आप स्पॉट कर पाओगे अपना प्रॉफिट, वो सारा का सारा हम डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियो में। अभी हमने जो लिया है वो सिर्फ जो कैंडलस्टिक बेसिक कैंडल कैसे फॉर्म होती है, बार चार्ट के बारे में आपको बताया, लाइन चार्ट के बारे में मैंने आपको बताया, कैंडल का इवेंट 18 सेंचुरी में हुआ था उसके बेस पे जाके उस टाइम पे लगातार कंसेक्यूटिव 100 ट्रेड लिए गए थे विनिंग साइड पे, मैंने उसके बारे में बताया। आज के रियल वर्ल्ड में कैंडलस्टिक्स को किसने ज्यादा एम्फेसाइज किया है, स्टीव निसोन ने जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक के थ्रू, एंड उसके बेस पे जाके क्या ट्रेड उन्होंने लिए है, क्या क्या रियल वर्ल्ड में क्या हुआ, सारा का सारा डिस्कशन दोस्तों ये जो बुक है जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक उसमें दिया है, एंड हम वही चीज आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों प्लीज स्टे ट्यून्ड विद लर्न विद जीफी एंड मेक ट्रेडिंग इजी। थैंक यू।